हेलो स्टूडेंट गुड इवनिंग सी क्लास टेन वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्स के बारे में पढ़ा रिसोर्सेज क्या होते हैं क्या कंडीशन होता है रिसोर्सेज का और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा उसके बाद रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रिसोर्स प्लानिंग पढ़ रहे हैं रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है रिसोर्स प्लानिंग एक वाइडली यूज एंड एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी है जिससे कि हम लोग अपने रिसोर्सेस को जुडिशियसली यूज़ कर सकें व्हाट इज़ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स कि जितना हमारा जो जो जितनी हमारी आवश्यकता है हम उतना ही रिसोर्स यूज करेंगे और साथ ही साथ हम वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कि जो यूज़्ड रिसोर्सेज हैं जो हम जिन्हें हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं उन्हें भी रिसाइकल करके यूज कर सकें ठीक है इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया हमारी कंट्री हमारा जो प्यारा भारत है भारत जैसी कंट्री में रिसोर्स प्लानिंग की और ज़्यादा जरूरत है क्यों वाई ऐसा क्यों है कि ये हमारे लिए और ज़्यादा जरूरत है बिकॉज देर इज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन आवर कंट्री मतलब इसका ये है कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे रिसोर्सेज हैं ही नहीं लेकिन इकोनॉमिकल राइट तो सबका है ना सभी रीजन का सभी स्टेट का राइट है कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें सो सभी जहाँ पे भी जो लोग हैं वैसे स्टेट जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहाँ के भी लोगों का तो राइट है कि उन्हें भी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले वो उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सो so, ये तभी संभव है जब हम लोग रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको बेहतर तरीके से उसका प्लानिंग करें और विथ दैट प्लानिंग हम लोग उन्हें यूज़ करके इकोनॉमिकल ग्रोथ को अचीव करें दैट्स वे यह जरूरी है ठीक है दैट्स वे इंडिया जैसे कंट्री के लिए रिसोर्स प्लानिंग इम्पोर्टेंस है सम रीजन जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज हैं वो रिच हैं लाइक उड़ीसा राजस्थान उड़ीसा है झारखंड like है मध्य प्रदेश है, है इनमें बहुत सारे मिनरल्स हैं कुछ ऐसे रीजन हैं जो रिसोर्स डिफिसियंट हैं एग्जाम्पल के लिए झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये क्या है रिच इन मिनरल एंड कोल है अरुणाचल प्रदेश वाटर रिसोर्स में रिच है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं है राजस्थान जहाँ पे सोलर एंड विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है पोटेंशियल है हम उसको यूज़ कर सकते हैं लेकिन वाटर रिसोर्सेज राजस्थान में नहीं है लद्दाख कल्चरली काफ़ी रिच है ठीक है बट वहाँ पे वाटर नहीं है इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है सो so, इनमें एक एक इन सभी में एक तरह से हम लोग जो है इक्वलिटी लाते हैं प्लानिंग करके कि यानी कि इक्वली डेवलप किया जाए इन सबको यानी जिस रीजन में जो रिसोर्सेस ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है वैसे ही इंडस्ट्रीज वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रीफर करके उस स्पेसिफिक रीजन को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें ठीक है सो दिस कॉल फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशन स्टेट रीजनल एंड लोकल लेवल अब रिसोर्स प्लानिंग क्या है इंडिया में किस तरह से रिसोर्स प्लानिंग किया जाता है इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको मैं थ्री स्टेट स्टेज जो है इन्वॉल्व होते हैं पहला स्टेप है रिसोर्स प्लानिंग का आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज एकरोस द रीजन ऑफ द कंट्री यानी कि ऑल ओवर कंट्री और रीजन हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं रिसोर्सेज का और उसकी इन्वेंट्री का इन्वेंट्री मतलब जहाँ पे वो स्टोर है ठीक है तो हम पता लगाते हैं हमारे जो साइंटिस्ट हैं जियोलॉजिस्ट हैं या जो भी एक्सपर्ट हैं उसके वो लोग पता लगाते हैं कि जो रिसोर्सेज है किस एरिया में है और कितना है उसको आइडेंटिफाई करते हैं अब ये जो आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री है वह सर्वेइंग मैपिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इस्टीमेशन से होता है एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज से होता है तो पहला स्टेप था ये सेकेंड स्टेप है इवोल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर इंडोर्ड विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी ठीक है स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान यानी कि अब हम लोग जो है जब हमने हमारे पास हम लोग रिसोर्सेज को हमारे एक्सपर्ट पहचान लेते हैं जानते हैं कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्स है कितना क्वांटिटी में है किस तरह की क्वालिटी का है तो दूसरा स्टेप आता है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप को यूज करके एक स्ट्रक्चर प्लानिंग स्ट्रक्चर जो है तैयार करें डेवलप करें उसे यूज करने के लिए फॉर आवर डेवलपमेंटल प्लान एंड थर्ड स्टेज स्टेप है कि जो रिसोर्स प्लानिंग है उसे हम नेशनल प्लानिंग के साथ नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करें अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है मैं आपको काफ़ी समझाता हूँ कोशिश करता हूँ अच्छे समझाने का नेशनल प्लानिंग के साथ रिसोर्स प्लानिंग कैसे मैच होगा अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं मान लीजिए कि भारत है हमने कहा मान लीजिए यह फिक्स नहीं है यस yes, जो है फैक्ट नहीं मानना है हमें मान लीजिए कि भारत ने यह डिसाइड किया कि हमें 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है अब 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने के लिए हमें ऑल ओवर ऑल फ्रंट पे डेवलपमेंट करना होगा हमें स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी करना है रोडवेज़ uh, बनाने होंगे रेलवेज इस्टेब्लिश करना होगा एयरपोर्ट बनाने होंगे इंडस्ट्रीज लगाने होंगे लोगों को रोज़गार देना होगा पोर्ट्स डेवलप करने होंगे ठीक है हॉस्पिटल कॉलेज यूनिवर्सिटी ये सभी चीज़ें बनाने होंगी तो इसके लिए हमें क्या चाहिए रिसोर्सेज चाहिए सो so, हम अपने रिसोर्सेज को किस स्पीड में किस इफ़िशेंसी के साथ कितना अमाउंट में यूज़ करें और किस तरह से यूज करें कि आने वाले 2025 तक इंडिया 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए इसी प्लान को यानी 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना नेशनल प्लानिंग हो गया और इस नेशनल प्लानिंग को अचीव करने के लिए हम लोग रिसोर्स प्लानिंग करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज किस वे में किस इफिशियंसी के साथ कितना अमाउंट में यूज करना है ठीक है तब जाके हम अचीव करेंगे यह रिसोर्स प्लानिंग है सो so, रिसोर्स प्लानिंग और नेशनल प्लानिंग एक साथ मैच करते हैं यह जो है रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स हैं द एवेलेबलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अनेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन यानी कोई भी रीजन है उसके डेवलपमेंट के लिए पहला कंडीशन है जो जरूरी कंडीशन है वह यह है कि उसमें उस रीजन में रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए एनी काइंड ऑफ रिसोर्सेज ठीक है लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज का अवेलेबल होना ही जरूरी नहीं है उस रिसोर्सेज को कंप्लीटली इफ़िएटली एंड प्लानिंग के साथ यूज़ करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए स्किल होना चाहिए एंड इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए तब जाके वह रीजन डेवलप कर सकता है फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो रिसोर्स रिच हैं बट लैक इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट लाइक उड़ीसा एंड झारखंड दे आर रिच इन मिनरल रिसोर्सिस बट पुअर इन इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विक है उनकी पुअर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं ठीक है रिच रिसोर्स इन कॉलोनीज अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कॉलोनीज की बात कही जा रही है कि जो कॉलोनीज थे यूरोपियन कंट्री में ने और ख़ास करके इंडिया में ब्रिटिश ने जो कॉलोनी सेटअप किया था कोलोनियल जो कंट्री थी वे रिसोर्स रिच कंट्री थी रिसोर्स रिच कंट्री थी ऑफ़ कोर्स हम सभी जानते हैं कि ये सभी रिसोर्स रिच कंट्री थे थे ना ओके सो ड्यू टू रिचनेस ऑफ रिसोर्सेज जो कॉलोनियल कोलोनाइजर्स थे वो कोलोनियल कंट्री पे अटैक किए उनको इन्वेट किया और वहाँ पे उनकी रिसोर्सेज को जो है यूज करना शुरू कर दिया ठीक है फॉरेन कंट्री और इन्होंने उन क्यों क्योंकि जो कॉलोनियल कंट्री थी उनके पास हाइयर लेवल ऑफ़ टेक्नोलॉजी था एंड ड्यू टू दिस हाइयर लेवल ऑफ़ टेक्नोलॉजी उन्होंने वहाँ के रिसोर्स को यूज़ किया रिसोर्सेज को यूज़ करके जो है उनको कोलोनाइज़ कर लिया ठीक है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक्सप्लाइट करने में रिसोर्सेज को यूज किया ठीक है so, सो रिसोर्स प्लानिंग और एक्सप्लॉयटेशन हुआ तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट हुआ तो अब आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज रिसोर्सेज आर वाइटल बट इ रेशनल एंड ओवर यूटिलाइजेशन में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली और फ्यूचर जनरेशन के लिए लेकिन हम लोग ई रेशनल करते हैं अपने रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं यानी आवश्यकता से अधिक यूज़ करते हैं इस वजह से बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम मिस रिच वर्सेज पुअर का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया इकोनॉमिकल प्रॉब्लम इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन लैंड डिग्रेडेशन ये सभी प्रॉब्लम क्रिएट हो गए गांधी जी ने गांधी जी का मानना था रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए जी जी उनका कहना था उन्होंने कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरी बडीज नीड एंड नॉट फॉर एनी बडी ग्रीड मतलब गांधी जी का कहना था कि अगर सभी की ज़रूरतों को पूरा करना है सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़रूरतों को पूरा करना है तो उसके लिए तो हमारे पास बहुत रिसोर्सेज उसकी रिसोर्सेज की कमी नहीं है ज़रूरत को पूरा करने के लिए लेकिन अगर किसी के ग्रीड को लालच को कम फुलफ़िल करना है पूरा करना है तो उसके लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं वो कम पड़ जाएँगे ठीक है सो गांधी जी प्लेस्ड ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लाटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज रूट कॉज फॉर रिसोर्स डिप्लिसन एट ग्लोबल लेवल यानी गांधी जी की इन व्यू ऑफ गांधी जी रिसोर्स uh, डिप्लिसन का मेन रीजन क्या था ग्लोबल लेवल पे सेल्फिश डिजायर ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल एंड एक्सप्लाटेटिव नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी गांधी जी चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वह बाई मास हो यानी कि वो मास प्रोडक्शन किसी एक ही प्रोडक्ट का आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करें वो ऐसा नहीं चाहते थे वो चाहते थे कि जो भी प्रोड्यूस हो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व हो यानी कि ही प्रीफर्ड प्रोडक्शन बाय मासस लार्ज यानी कि जो सोसाइटी में जितने लोग हैं सब लोग किसी प्रोडक्ट product के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो न कि एक ही प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाए क्यों इससे क्या होगा कि सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिसोर्सेज का आवश्यकता से ज़्यादा यूज होगा और वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को या स्पेसिफिक कम्युनिटी को ही एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल को ही नीड को ही फुलफिल करेगा इसलिए ओके सो okay? so, अब आता है लैंड रिसोर्स क्या है लैंड रिसोर्स के बारे में भी हमें पढ़ना है लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हमारे लाइफ में जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों बिकॉज लाइफ लैंड जो है नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है लैंड क्या है हमारे पास लिमिटेड है ठीक है अगर लैंड हमारे पास लिमिटेड है तो हमें क्या करना चाहिए केयरफुली यूज करना चाहिए और प्लानिंग के साथ यूज करना चाहिए जो लैंड रिसोर्सेज है वो इंडिया अगर हम सभी कंट्री के ऐसे होते हैं हम इंडिया की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो इंडिया में भी जो लैंड है वह जो रिलीफ फीचर है डिफरेंट रिलीफ फीचर उनका डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल रीजन है उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंड रिलीफ में डिवाइड किया गया है जैसा कि फोर्टीन फोर्टी लैंड क्या है प्लेन है जिसका यूज़ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के लिए किया जाता है थर्टी लैंड माउंटेन इन फॉर्म ऑफ माउंटेन है जिससे जहाँ से हमारे लिए रिवर ओरिजिनेट होती हैं पैरनियल रिवर का सोर्स है वो जिससे हमें वाटर रिसीव होता है और टूरिज्म पर्पज़ से हम लोग उसको डेवलप करते हैं ट्वेंटी सेवन परसेंट प्लेट्यू हैं जो कि मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड करते हैं ओके okay, तो ये लैंड रिसोर्स है इंडिया का अब लैंड यूज पैटर्न क्या है हमारे लिए क्योंकि लैंड को तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ से यूज किया जाता है सो लैंड यूज करने के लिए जो यूज ऑफ लैंड है वो टू फैक्टर से डिफाइंड होता है डिटरमाइंड होता है पहला फिजिकल फैक्टर और दूसरा ह्यूमन फैक्टर फिजिकल फैक्टर जैसे कि टोपोग्राफी क्लाइमेट सॉयल यानी किसी रीजन का टोपोग्राफी कैसा है प्लेन है माउंटेनियस रीजन है प्लेट्यू है उस पर डिपेंड करेगा वहाँ का क्लाइमेट कैसा है कोल्ड हॉट वेदर है कोल्ड है रेनी है किस तरह का है सॉइल कैसा है ब्लैक सॉइल है एलुवियल सॉइल है रेड सॉइल है उस पर डिपेंड करता है कि हम उस लैंड को किस तरह से यूज करेंगे ह्यूमन फैक्टर है कि पॉपुलेशन डेंसिटी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कल्चर ऑफ़ ट्रेडिशन ये सभी ह्यूमन फैक्टर में आते हैं जैसे कि मान लो नॉर्थ इंडिया है नॉर्थ इंडिया प्लेन रीजन है यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है फर्टाइल लैंड है रिवर वाटर रिवर बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सो नॉर्दर्न इंडिया जो है मोस्टली एग्रीकल्चरल के लिए यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वहाँ पे, ठीक है ना सो so, ये दो फैक्टर यूज होते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के लिए जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का वह थ्री मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है आप लोग नाइन्थ क्लास में पढ़े ही होंगे लेकिन जो लैंड यूज डेटा है वो हमारे पास 93 परसेंट के लिए ही अवेलेबल है यानी कि इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है ओनली उसका नाइन्टी थ्री परसेंट इंडिया यूज़ करता है क्यों सेवन परसेंट कहाँ चले जाते हैं जो सेवन परसेंट रीजन है वह पीओके के स्काई चाइना जो कि पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में है एंड सम रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की जो टेरिटरी है जिस तरह का लैंडस्केप है वहाँ पे टोटल हमारे पास जो प्रॉपर लैंड डेटा अवेलेबल नहीं है कि वहां पे किस तरह से कितना लैंड यूज किया जा रहा है ओके दैट्स वाई ठीक है ना लैंड रिपोर्टिंग मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज नॉट बीन डन फुल्ली सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अकुपाइज बाई पाकिस्तान एंड चाइना अब देखिए लैंड यूजलाइजेशन जो है किस तरह से फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉट अवेलेबल कल्टिवेशन अदर कल अनकल्टिवेटेड लैंड फेलो लैंड इस तरह ये सभी डिफिनेशन है आप पढ़ लेंगे इसको <coughs> जो इंडिया में नेट सोन एरिया है वह फिफ्टी फोर परसेंट है ठीक है ना द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट यानी स्टेट टू स्टेट जो है वेरी करता है लैंड पैटर्न जो नेट सोन एरिया है इट इज़ ओवर एट्टी परसेंट ऑफ टोटल एरिया इन पंजाब एंड हरियाणा पंजाब और हरियाणा में जितना लैंड है उसका टोटल एट्टी परसेंट जो है लैंड यानी मोस्ट ऑफ द लैंड यूज़ कर लिया जाता है ठीक है लेकिन अरुणाचल प्रदेश में दस परसेंट भी यूज नहीं किया जाता है अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मणिपुर अंडमान निकोबार क्यों क्योंकि यहाँ पे जो लैंड है वह काफ़ी डिफिकल्ट ट्रेन है वहाँ का माउंटेनियस रीजन है फॉरेस्ट लैंड है ठीक है दैट्स वाई जो फॉरेस्ट एरिया है वह किसी भी हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट एरिया है वह थर्टी से कम है लेस देन थर्टी है जो होना चाहिए थर्टी ठीक है ना लेकिन हमारे यहाँ कितना है लेस देन थर्टी थ्री परसेंट है ऑलमोस्ट ट्वेंटी फोर परसेंट ही हमारे जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है इंडिया का उसका ओनली ट्वेंटी फोर परसेंट ही है <coughs> तो किसी भी कंट्री में थर्टी थ्री परसेंट होना चाहिए लेकिन वह नहीं है ठीक है ये जो डिसाइड किया गया थर्टी थ्री परसेंट का वह नाइनटीन फिफ्टी टू जो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन फिफ्टी टू में डिसाइड किया गया कंटिन्यूस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज इट हैज़ रिजल्टेड इन लैंड डिग्रेडेशन जो हमने लैंड है लैंड रिसोर्सेस हैं उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने काफ़ी ओवर यूटिलाइजेशन किया विदाउट एनी विथ जो है इनडिसक्रिमिनेट यूज किया हमने जिसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ओके सो लैंड डिग्रेडेशन क्या है एंड कंजर्वेशन मेजर उसके लिए क्या है ठीक है तो हम लोग इसको देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन क्या है देखिए नाइन्टी फाइव परसेंट ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड सेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑप्टेंड फ्रॉम लैंड यानी ये सभी चीज़ें हमारे जो भी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं उसका नाइन्टी फाइव परसेंट जो है कहाँ से आता है लैंड से आता है एट प्रजेंट देर अबाउट वन थर्टी मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया यानी 130 मिलियन हेक्टेयर लैंड इंडिया में क्या है डिग्रेडेड है यानी वह अन उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई है ठीक है ना अब उस 130 मिलियन हेक्टेयर में क्या है 28 परसेंट फॉरेस्ट डिग्रेडेड है यानी फॉरेस्ट के वजह से वहाँ पे जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं 56 परसेंट वाटर इरोडेड है यानी कि लॉन्ग टाइम तक उसमें वाटर लॉक्ड होने के कारण इरोड हो गया वह और सिक्स परसेंट सलाइन प्लस अल्कलाइन लैंड है यानी कि वैसे रीजन जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है और वहाँ का वाटर डिवोपरेट हो जाता है जिसकी वजह से लैंड में सेलिनिटी बढ़ने लगती है और ये मोस्टली डेजर्ट लैंड होते हैं ड्राई लैंड ड्राई रीजन में ऐसा लैंड होता है टेन परसेंट विंड इरोजन है इरोडेड लैंड है यानी वैसे रीजन जहां पे ड्यू टू फ्लो ऑफ हाई स्पीड ऑफ विंड अपर लेयर ऑफ सॉयल जो है वो रिमूव हो जाता है इरोडेड हो जाता है सो जब अपर लेयर इरोडेड हो जाता है तो उस लैंड की फर्टिलिटी कम हो जाती है ठीक है इन द स्टेट लाइक झारखंड छत्तीसगढ़ एम पी एंड ओडिशा डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉस्ट सीवियर लैंड डिग्रेडेशन यानी इस रीजन में माइनिंग बहुत ज्यादा होती है तो ड्यू टू माइनिंग करने के लिए लार्ज अमाउंट में फॉरेस्ट को कट कर दिया जाता है और ये फॉरेस्ट जब कट होते हैं तो वहाँ की लैंड की जो फर्टिलिटी है सोयल फर्टिलिटी वो फर्टाइल कैपेसिटी वो डिग्रेड हो जाती है रिड्यूस हो जाती है गुजरात राजस्थान एमपी महाराष्ट्र स्टेट में ओवर ग्रेजिंग की वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो गया ओवर ग्रेजिंग क्या होता है यहाँ पे लार्ज अमाउंट में एनिमल को ग्रेजिंग कराया जाता है तो उनके पैर से जब वो चलते हैं तो उनके पैर से जो सॉयल है लूज हो जाता है और ड्यू टू हाई स्पीड फ्लो ऑफ विंड वो इरोड हो जाता है ठीक है ना इन द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ओवर इरीगेशन जो है रिस्पांसिबल है लैंड डिग्रेडेशन के लिए ड्यू टू वाटर लॉगिंग क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ यहाँ पे ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन स्टेट में पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा कैनाल कंस्ट्रक्शन किया गया वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में कराई गई सो मोस्ट ऑफ द डे ऑफ ईयर इस स्टेट के पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो लैंड हैं एग्रीकल्चरल लैंड वो वाटर लॉक्ड होते थे सो लॉन्गर टाइम तक वाटर लॉक्ड होने की वजह से ये डिग्रेड हो गए ठीक है ना मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्रेंडिंग ऑफ लाइम स्टोन फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड कल्साइट एंड सोप सोप स्टोन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री जनरेट यूज क्वान्टिटी ऑफ डस्ट ऐसे मिनरल्स होते हैं ये सभी मिनरल जैसे लाइम स्टोन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए कैलसाइट और सॉप स्टोन है इनको क्या किया जाता है प्रोसेस किया जाता है मशीन में मिल्स में सो so, अब ये क्या है ये स्टोन है सो so, जब इनकी ग्राइंडिंग की जाती है पॉलिशिंग की जाती है तो इनसे बहुत सारे फाइन पार्टिकल ऑफ डस्ट जो है बाहर निकलते हैं और ये इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ ड्यू टू लॉन्गर टाइम ऑफ मिक्सिंग इन एटमोस्फियर ये धीरे धीरे सेटल्ड होते रहते हैं लैंड पे नियर बाई एरिया में जहाँ पे ये सभी रीजन होता है जहाँ पे इनके मिल्स ग्राइंडिंग मिल्स अवेलेबल होते हैं सो so, उनके आसपास रीजन में ये सभी जो है डिपोजिट हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन वहाँ का अब ये लैंड सोयल पे जो है ये मिक्स हो जाते हैं सोयल पे ये सभी लेयर बन जाते हैं सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लेयर जो फर्टिलिटी है सोयल की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जब ये मिक्स होते ये काफ़ी हार्ड क्योंकि ये तो सॉइल स्टोन के ही पार्टिकल हैं तो ये जब लेयर बनाते हैं तो ये हार्ड लेयर बन जाता है जिसके वजह से जो रेन वाटर है वो भी पर्कोलेट नहीं होता है वह भी जो है ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता है पिनिट्रेट नहीं कर पाता है इट रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन टू जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस हैं मतलब जो इंडस्ट्रियल पोलुटेंट मटेरियल हैं वो क्या करते हैं लैंड और वाटर पोल्यूशन को बढ़ाते हैं वाटर पोल्यूट होता है सो so, इनको ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रास्ता क्या है हमारे पास क्या कर सकते हैं हम लोग तो पहला रास्ता है पहला स्टेप है कि अफॉरेस्टेशन करना यानी ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ट्री प्लांट करना ठीक है और जो ग्रेजिंग है उसको मैनेज करना प्लांटिंग ऑफ सेल्टर बेल्ट सेल्टर बेल्ट आप देख रहे हो क्या होता है सेल्टर बेल्ट क्या होता है किसी भी रीजन है उसके चारों तरफ हम लोग जो है आ, प्लांट कर देते हैं लार्ज अमाउंट में उसको सेल्टर बेल्ट कहता है सो प्लांटिंग ऑफ सेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाई ग्रोविंग थॉर्नीबुसेस कर सकते हैं हम लोग उसको मैनेज थर्ड जो स्टेप है वह है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वास्टलैंड वेस्टलैंड कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटी प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन ठीक है तो ये था लैंड डिग्रेडेशन है उसका कंजर्वेशन हमने पढ़ा आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉयल एज अ रिसोर्स और टाइप्स ऑफ सॉयल के बारे में पढ़ेंगे फिर सॉयल इरोजन क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे ओके okay?